सो गाइस कैट एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया, मतलब जिसकी कोई हद नहीं होती ना। मैक्सिमम आपका 7 डेज बचे हैं, मतलब एक वीक बचा है। इसके अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिसके अंदर हमारा जो बेड़ा है वो पार हो जाए। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग के टू डेज से, मतलब कि हमारा जो आज का और कल का दिन है उस 2 दिन के अंदर हमें क्या करना है और एंड तक डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट 2 डेज में हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं दिया, एनालिसिस नहीं किया, वीकर सेक्शन नहीं ढूंढा, स्ट्रॉन्गर सेक्शन नहीं ढूंढा, कुछ भी नहीं ढूंढा, तो अभी फटाफट क्या करना है कि आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। उसके अंदर आपको अपने वीकर सेक्शन उठा लेने हैं कि मेरा ये वीकर सेक्शन है, ये स्ट्रॉन्गर सेक्शन है। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 डेज के अंदर ही हमें ये एनालाइज करना है, ये आइडेंटिफाई करना है। वर्बल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, दोनों के अंदर आपको ढूंढ लेना है कौन से वीकर हैं और कौन से स्ट्रॉन्गर हैं। उसके बाद तीसरे दिन आपको क्या करना है, जैसे कि जो बच्चे पहले से करते हुए आ रहे हैं उनको तो अपना रिविजन करना है, और जिन्होंने अभी स्टार्ट करी है उनको क्या करना है, अपने वीकर को छोड़ देना है, स्ट्रॉन्गर को देख लेना है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और आपको एनालाइज कैसे करना है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि एनालिसिस करने के अंदर, तो यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी डाल दूंगा, उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर देंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हालांकि आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से कॉल कर लेना, आपका भाई साथ में मिलकर हम दोनों एनालिसिस करेंगे कौन सा हमारा वीक सेक्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, कैसे हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे हमें टाइम मैनेज करना है और कैसे हमारे को अपना कैट एग्जाम का पेपर देना है। बिकॉज इन द एंड हमारी जो स्ट्रैटेजी बनती है वही सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। सारा जो गेम होता है वो हमारा होता है स्ट्रैटेजी का। उसके बाद हमें 4th डे के अंदर क्या करना है, जो भी हमने रिवीजन अपना प्रॉपर तरीके से करा, फॉर्मूला बुक जो भी हमने बनाई उसका रिवीजन हमने कर लिया, अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर उसके बाद 5th डे के अंदर हमें क्या करना है, अपने प्रॉपर अच्छे सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेने हैं, जितने भी हमारे कैट एग्जाम के अंदर सारी मटेरियल जो भी चीज़ें मांगते हैं जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, सारी चीज़ हमें अच्छे से कर लेनी है। 6th डे के अंदर क्या करना है, 6th डे के अंदर हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, और प्रेशर नहीं लेना, हालांकि प्रेशर हर किसी पे आएगा, बट प्रेशर को कैसे आपको मतलब कि प्रेशर को कैसे डाउन कर सकते हो, उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा, वहां पे हम दोनों मिलकर साथ में मोटिवेशन फील करवाएंगे और साथ के साथ आपका कॉन्फिडेंस जो यहां पे नेगेटिव घुस चुका है उसको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। वो काम हमारा है, वो हमारी टीम करेगी। उसके अंदर आपका भाई आपसे कॉल पे प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, जो मतलब कि वीडियो के अंदर जो चीजें समझाई जाती है और जो कॉल पे 1-on-1 समझाई जाती है वो अलग लेवल की होती है। उसके बाद हमारे को 7th डे जो हमारा कैट एग्जाम का जो मेन दिन होगा, उस दिन हमें क्या करना है, कैट एग्जाम के मेन दिन पे हमें आराम से जाना है, कैट एग्जाम के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है लेके जानी है, और कैट एग्जाम के अंदर आपको लैपटॉप के अंदर एक्सपीरियंस कैसा, रियल टाइम एक्सपीरियंस की वीडियो यहाँ पे मैंने डाल रखी है, वो आप जरूर देख लेना, यूट्यूब के हमारे चैनल के होम पेज पे आ रही होगी। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद एक चीज का सबसे ज्यादा और ध्यान रख लेना कि कैट एग्जाम का रियल टाइम एक्सपीरियंस के अंदर मैंने कैसे अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस किया, उसके लिए भी आपको कॉल जरूर कर देना। और इसके अंदर मैं कुछ छोटी छोटी चीज बता दूं, जैसे कि आपको पजामा लोअर पहन लेना, ऊपर टी शर्ट डाल लेना, साथ में जैकेट डाल लेना, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, पेन वगैरह और जो चेन वगैरह होती हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ भी मत लेके जाना, अंगूठी तक उतार देना, घड़ी भी उतार देना, सारी चीज़ें उतार देना, मतलब सिर्फ कपड़े पहन के जाना, मतलब कपड़े मत उतारना, और उसके अंदर आपका पेन भी मत लेके जाना, कुछ मत लेके जाना, सिर्फ एडमिट कार्ड अंदर आपका अलाउड होगा, साथ में थोड़े से ऐसे कपड़े पहनना जो कि लूज हों, मतलब ज़्यादा टाइट वगैरह पहनोगे तो उसके अंदर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस फील करना है, मोटिवेशन फील करना है, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी दिक्कत मेरे से आ रही है तो आपको मेरे से पूछना चाहते हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये 7 दिन, सिर्फ आपके 7 दिन आपकी स्ट्रैटेजी को जो कि ऊपर थी उससे नीचे ले जाएगी, और अगर नीचे तो नीचे से ऊपर ले जाएगी। तो फील फ्री टू DM, स्लॉट्स फटाफट बुक करो, कैट एग्जाम पास आ रहा है, हालांकि प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ स्लॉट जरूर बुक कर लेना, क्योंकि आप 2100 रुपये का 25,000 रुपये तक के पूरे MBA के हम फॉर्म भरते हैं, बट सिर्फ एक छोटी सी काउंसलिंग की कॉल्स के लिए हम उसके अंदर घबराते हैं। तो फील फ्री टू कॉल एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।